मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डायमेंशन बारे में और ज्यादा आगे डिस्कशन करेंगे। यस्टरडे वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स, ओके, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वो सब का हमने देखा, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला MKS CGS। तो लाइक वाइज सपोज वी आर टॉकिंग फॉर अ पावर, तो पावर की बात करें तो वेरी सिंपल, वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसमें सबसे पहले हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने का, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, विच इज M1L2T-2 और टाइम का होता है T1। ओके, इसके लिए हमें रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, तो हम इधर करेंगे M1L2T-3, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर। वो कोई भी पावर हो, पावर के बहुत ज्यादा टाइप हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, मैग्नेटिक पावर, हीटिंग पावर, कोई भी पावर आप ले लो, तो उसमें ये कॉमन फॉर्मूला लगने वाला है गाइस, राइट। नाउ देन आफ्टर सपोज हम आगे बात करें, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम M1L2T-2/T1, M1L2T-3। उसके MKS CGS यूनिट्स की बात करें तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, इसके ऊपर से हम यूनिट कैसे बनाते अभी वो समझना, M का पावर 1 है, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, तो इसको मैं बोलूंगा 1 kg, kg 1, L मीटर स्क्वायर और टाइम सेंटीमीटर क्यूब, राइट गाइस। नाउ सिमिलरली ऑन द अनदर साइड kg विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज सेकंड क्यूब। अब सेकंड तो सेकंड कोई कन्वर्जन होता नहीं है, ओनली kg टू ग्राम एंड मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 kg इज इक्वल टू 10^3 ग्राम, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप दोनों को क्लब करेंगे तो आपको मिलेगा 10^7। दूसरा पावर का यूनिट होता है गाइस वॉट, ओके, इसमें CGS यूनिट नहीं है, केवल MKS यूनिट का ये नाम है, CGS यूनिट का कोई नाम नहीं है, वी हैव टू रिमेंबर लाइक दिस वे ओनली। सो दैट इज पावर। पावर के बाद में बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, जैसे अभी मैंने बोला वन इज अ एंगुलर मोमेंटम एंड वन इज अ लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, वो उसके मैं आगे आपको फॉर्मूले बताऊंगा। देखो तो एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम का होता है गाइस, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वो हमें पता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1L0T0, वेलोसिटी इज M0L1T-1, ये दोनों को क्लब करें तो मिलेगा M1L1T-1, अगेन MKS CGS यूनिट वी कैन इजीली मेक, इसको मैं बोलूंगा 1 kg/s, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, केजी टू ग्राम 10^3, मीटर टू सेंटीमीटर 10^2, तो दोनों को क्लब करें सो इट इज 10^5, दैट इज डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। नाउ सपोज वी आर टॉकिंग फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला है गाइस L इज इक्वल टू MVR। ओके, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एंगुलर मोमेंटम में एक्स्ट्रा R जुड़ गया, उसके पीछे का रीजन रोटेशनल मोशन में डिटेल में देखना है, पर अभी फिलहाल इतना बता दो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लीनियर मोमेंटम। मतलब कोई भी जगह एंगुलर मोमेंटम की बात हो तो इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लीनियर मोमेंटम। तो ये M का होगा M1L0T0, V का होगा M0L1T-1, R का हमें पता है M0L1T0, तो इसको पावर रूल के हिसाब से क्लब करें तो हमें मिलेगा M1L2T-1, एंड दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो गाइस ये ऐसी बहुत सारी फॉर्मूला है, वी कैन डिराइव मोर देन 70+ फॉर्मूला। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको कैसे डिराइव करने का एंड
हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटी वो आज मैं समझाने वाला हूँ। तो ये लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद में बारी करते हैं टॉर्क की। सो नाउ गाइस व्हाट इज अ टॉर्क? सो टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब जैसे कोई भी जगह हम फोर्स अप्लाई करें तो उसके साथ में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो हम उसको टॉर्क बोलेंगे। लाइक वी आर गोइंग टू बी से वी आर अप्लाइंग टॉर्क ऑन द बाइक। हम जो बाइक चलाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लिखा होता है न्यूटन इनटू मीटर। ओके मतलब वो एक मिनट में कितने रोटेशन फटाफट घूम सकता है और हाइट कैन स्पीड अप, दैट इज व्हाट वी कॉल टॉर्क। तो टॉर्क है गाइस फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज m1 l1 t - 2। आर का होता है l1, तो वो हो जाएगा m1 l2 t - 2। नाउ Have you noticed one thing? Already हमने ये जो dimensional formula है work और energy के context में भी same निकाला था m1 l2 t - 2। तो guys different physical quantity same dimensional formula can be there, okay? तो ये खास आप लोग दिमाग में रखना, dimensional formula depend on the unit simply, okay? वो physical quantity अलग अलग हो सकती है, work is something different, energy is something different, torque is something different. बट तीनों तीन क्वांटिटी का माय डियर फ्रेंड्स डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ओके? उसके बाद में बात करें से फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी वी नो वेरी वेल इट इज 1/ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है उसका टी आप ऊपर लाओगे तो आप इसको लिखोगे m0 l0 t - 1, एंड दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में बात करें गाइस, ये सारी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखी। अभी सपोज कोई अननोन क्वांटिटी है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ढूंढनी है, देन व्हाट यू विल डू? तो उसके लिए आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, खास ध्यान से समझ लेना गाइस। उसमें ऐसा होता है, नाउ वी नो वेरी वेल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F=g m1 m2/r². सपोज अभी मैं यहाँ पे कैपिटल जी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढना है। तो कैपिटल जी इज बिकम F×r² / m1 m2। समझ लेना गाइस, खास इंपॉर्टेंट है ये। वी वांट टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। सो F=G m1 m2/r², कैपिटल जी को सब्जेक्ट बनाएंगे F×r² / m1 m2। उसके बाद में F का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है m1 l1 t - 2, r2 का हो जाता है l2, m1 m2 विल बी रिप्रेजेंटेटिंग मास ओवर हियर जिसका हो जाता है m2। तो इसको गाइस मुझे सिंपल पावर रूल अप्लाई करना है, 2 ऊपर आएगा सो इट इज बिकम m-1 l3 t - 2। ओके अंडरस्टैंड गाइस, बाय दिस मेथड वी कैन ईजीली फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अभी सपोज हम इसके यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट हो जाएगा 1 kg - 1 m³/s² या तो s ऊपर की ओर लिखो तो वी कैन ऑल्सो राइट 1 kg - 1 m³/s - 2। दिस बोथ आर द वैलिड गाइस। उसके सामने हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी ग्राम इनवर्स cm³/s² या तो फिर इट विल बी ग्राम इनवर्स cm³/s-2, राइट। सो वी कैन रिप्रेजेंट इन द बोथ वे। तो गाइस आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा। कोई भी xyz अननोन फॉर्मूला आपको दिया है वो अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सपोज आपको निकालना है। एफ का मुझे ऑलरेडी पता था, मास का मुझे पता था, आर का पता था, बट आई डोंट नो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ कैपिटल जी। तो सपोज वो मुझे ढूंढना है तो उसके लिए सिंपल एक काम करने का, उसको सब्जेक्ट बनाने का, एंड देन आफ्टर उसके हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, राइट। दूसरा मैं अभी आपको एग्जांपल दूं ऐसा सेम। तो वी नो वेरी वेल एक फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू hf। ये है एनर्जी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, ये है फ्रीक्वेंसी,
और एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट. ये फॉर्मूला है गाइस एनर्जी ऑफ अ फोटोन बेसिकली, राइट. मतलब जो भी लाइट गिरती है वो कितनी एनर्जी से गिरती है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एनर्जी ऑफ अ फोटोन पार्टिकल्स. क्योंकि लाइट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ना कि फोटो निकाला, मतलब इट इज मेड अप ऑफ द फोटोन पार्टिकल्स. तो इसमें सपोज एच का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे ढूंढना है, तो इसी में सेम काम करूंगा गाइस, एच को सब्जेक्ट बनाऊंगा. सो दिस इज ई बाय एफ. ई का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है एम वन एल टू टी माइनस टू. फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड, जिसका होता है टी माइनस वन. माइनस वन ऊपर आएगा बनेगा प्लस वन. सो इट इज एम वन एल टू टी माइनस वन. दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ प्लैंक कॉन्स्टेंट. ओके, तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला अननोन क्वांटिटी के ढूंढे जाते हैं. क्या करने का, वेरी इजी. जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ढूंढने का है, इसको सब्जेक्ट, पहले तो आप सब्जेक्ट बनाओ, उसको सब्जेक्ट बनाओगे, बाकी सारी क्वांटिटी को एक साइड में ले जाओ. यार मैथ्स में एक चीज ध्यान में रखने की, जो क्वांटिटी का वैल्यू हमें ढूंढना है, इट इज ऑलवेज ऑन एल एच एस. द क्वांटिटी वी वांट टू फाइंड, इट इज ऑलवेज ऑन आर एच एस. तो बस सिंपल यार, इसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है. ओके, उसके बाद में आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाली क्वांटिटी की. नाउ से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी वाली क्वांटिटी में क्या आ जाएगा वो देखते हैं. दैट इज समथिंग न्यू. सपोज हमें कोई ऐसा बोले कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो गाइस वी नो वेरी वेल करंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन. सो दैट्स व्हाई एम एल टी के साथ में करंट के लिए एम्पियर आई एम गोइंग टू बी एडिंग गाइस. ओके, ध्यान रखना वापस, करंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन. करंट के अंदर मास एंड टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली एम्पियर से उसका मतलब है. उसके लिए एम एल टी तो लिखेंगे, साथ में ए लिखेंगे, तो ए को वन लिखेंगे, इसको जीरो 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 लिखेंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करंट. नाउ सपोज सिमिलरली हम बात करें गाइस चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला किस तरीके से निकालोगे. तो बेसिकली वी नो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो इसमें आप क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा आई इंटू टी. समझना अच्छे से, आई का डायमेंशनल ऑलरेडी हमें पता है, सो दैट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए वन इंटू टाइम विच इज टी वन. तो ये बन जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन. तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है गाइस, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला इस प्रकार हमें निकालने हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम टेंथ में पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला किस प्रकार निकालना है वो मैं थोड़ा आइडिया दे दूं. पोटेंशियल के लिए सिंपल हमें एक चीज देखनी है, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू. तो V पोटेंशियल होता है वो हमें पता है. अभी V को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो दैट इज W अपॉन क्यू. W का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, दैट वी नो विच इज एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन क्यू के अंदर आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन इज इक्वल टू एम वन एल टू टी वन ऊपर जाएगा माइनस थ्री ए माइनस वन. सो यू कैन से गाइज दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्ट, राइट. अब मैं आपको सिंपल सा काम करो, कोई भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला दे दो, आप इजिली डायमेंशन उसके निकाल लोगे, राइट. सो दिस इज द फंडा बाय विच वी आर गोइंग टू बी डिराइव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन रिलेशन. सिमिलरली दूसरा होता है गाइस रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट. वी नो वेरी वेल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई. तो देखो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हो रही है गाइस. सबसे पहले एम्पियर का निकाला, एम्पियर के ऊपर से चार्ज का निकाला, चार्ज के ऊपर से पोटेंशियल, पोटेंशियल के ऊपर से रेजिस्टेंस. तो इसके अंदर पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन आई विल बी एम्पियर वन. ये ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस. वी नो वेरी वेल इसका यूनिट वन ओम होता है. सिंबलाइज वी कैन राइट लाइक दिस. इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गाइस तो इसको लिख पाएंगे, ये है केजी, दिस इज मीटर स्क्वायर,
upon second cube MPR2. So we can write ohm as this. Okay, samajhna guys. Then after potential ka unit hota hai 1 volt, that we know very well. As far as electricity is concerned, तो सारे यूनिट के कुछ पर्टिकुलर नाम है, तो यहां पे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन H2A1. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल. चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम, दैट वी नो वेरी वेल. ओके, तो उसको 1 कूलम को 1 कूलम ही लिखेंगे, और इसका होता है 1 एम्पियर. तो ये बात करी हमने कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की, राइट. सिमिलरली व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ टेम्परेचर, समझना, उसमें भी और एक डायमेंशन जुड़ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल. तो उसके अंदर क्या होगा वो समझो. टेम्परेचर के अंदर अगर गाइस हम बात करें, तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M0, L0, T0, K1. ओके, समझना गाइस अच्छे से. यहां हमने एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस करा, दैट इज व्हाट वी कॉल अ केल्विन. वी नो वेरी वेल टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा M0, L0, T0, K1, राइट. आगे जितनी भी टेम्परेचर वाली क्वांटिटी है, आगे हम इसके साथ में रिलेट करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर को रिलेट करवाया था. ओके, सो नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. बाय एनी अननोन क्वांटिटी वी कैन फाइंड बाय द गिवन रिलेशन. मतलब आपको खाली एक फॉर्मूला पता है, उसमें से कोई एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, उसको जस्ट सब्जेक्ट बना लो, तो बाकी क्वांटिटी के डायमेंशन आपको मिल जाएंगे, राइट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.